नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार ऑल इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर चैनल में आप सबको स्वागत करता हूं। दोस्तों ये ओनिडा का सीआरटी टीवी है। दोस्तों ये फुल डेड कंडीशन में है। दोस्तों आइए मैं आपको दिखाता हूं। दोस्तों दरअसल क्या है कि हमने इस टीवी में आधा घंटा समय दिए। समय देने के बाद दरअसल क्या था कि जब हम इसको पावर देते थे दोस्तों, पावर देने के बाद यहाँ पे कुछ भी लाइट शो नहीं करता था। तो हमने इसको खोल कर देखे तो यहाँ पे फ्यूज जो लगा हुआ रहता है दोस्तों, वो जला हुआ था, पूरा ब्लास्ट था। ठीक है दोस्तों, कांच भी नहीं था यहाँ पे लगा हुआ, सभी के सभी ब्लास्ट हो गया था। तो हमने नीचे से दे दिए, और देने के बाद सीरीज कनेक्शन में लगा कर जब हमने चेक किए दोस्तों, तो चेक करने के बाद ये पता चला कि ये फुल्ली शॉर्ट बता रहा था दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किए, यहाँ पे जो ये डाइबोर्ड लगा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे दो डाइबोर्ड यहाँ पे हो गया दोस्तों, ठीक है, और दो इधर भी हैं। तो हमने क्या किए, सभी को चेक किए, चेक करने के बाद पता चला कि ये वाला जो डाइबोर्ड है दोस्तों, ये शॉर्ट था। ठीक है, इस डाइबोर्ड को हमने चेंज किए, चेंज करने के बाद जब हमने सीरीज कनेक्शन में लगाए तो फिर भी शॉर्ट बता रहा था। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट बता रहा था। तो हमने क्या किए, यहाँ पे एसटीआर लगा हुआ था दोस्तों, ठीक है, एसटीआर लगा हुआ था, और एक ग्रीन कलर का जो कैपेसिटर आता है दोस्तों, ये भी लगा हुआ था। ठीक है, तो कैपेसिटर एकदम पूरा जला हुआ था, पूरा ब्लास्ट हो गया था दोस्तों। ठीक है, तो हमने उसके हटा दिया। हटाने के बाद भी फिर से चेक किए, फिर भी यही प्रॉब्लम दिखा रहा था। तो हमने क्या किए, यहाँ पर जो एसटीआर लगा हुआ था दोस्तों, उसको हमने निकालने के बाद जब टेस्टिंग किए दोस्तों, तो वही ख़राब था। ठीक है, जिसके वजह से ये फुल लाइट ग्लो करता था सीरीज कनेक्शन का। ठीक है, और इस टीवी में कोई भी पावर शो नहीं करता था। तो आइए दोस्तों, हम आज आपको बताएंगे कि इसमें यूनिवर्सल मॉड्यूल जो आता है, पावर सप्लाई यूनिवर्सल मॉड्यूल आता है, उसको कैसे लगाया जाए, वो चीज़ हम आपको बताएंगे दोस्तों। ठीक है, तो बस दोस्तों इस वीडियो पे बने रहें, हम इस मोबाइल को स्टैंड में सेट कर लेते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि इसको किस प्रकार से करना है। सो ठीक है दोस्तों, तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, हमने यहाँ पे इसको अच्छे से सेट कर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक रबर भी दिया हुआ रहता है कि इसमें कोई शॉर्टिंग न बने। ठीक है दोस्तों, तो उसको अच्छे से मिलाकर यहाँ पर सेट कर देना है, कस देना है। ठीक है, आइए अब हम इस हीट सिंक को यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, और इस वायर का कनेक्शन कैसे कैसे करना है हम आपको बता देते हैं दोस्तों। ये जो हो गया आपका ब्लैक कलर हो गया दोस्तों, ये कैपेसिटर का जो मेन कैपेसिटर है, फिल्ट्रेशन के लिए लगा रहता है दोस्तों, उसके निगेटिव वाले पर इसको कनेक्ट करना है। ठीक है, और ये जो हो गया दोस्तों, जो आपका एसटीआर है, एसटीआर गेट हो गया, ड्रेन हो गया, उस पर लग जाएंगे दोस्तों। ठीक है, और ये जो ग्रीन कलर वाले हैं, आपका ऑटो कपलर के चार नंबर पिन पर लगेंगे। जो पहले से लगा हुआ है ऑटो कपलर, उसको कट कर दें और वहाँ पे आप इसको कनेक्ट कर दें। चार नंबर पिन को कनेक्शन कट करना है दोस्तों। ठीक है, और इसको कनेक्ट कर दें। तो आइए, इसमें आपका ऑटो कपलर नहीं लगा हुआ है दोस्तों, तो हम ये नहीं करेंगे, इसका यूज नहीं करेंगे, ग्रीन कलर वाले के यूज नहीं करेंगे, बस ये दोनों को यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, और किस प्रकार से करना है वो चीज़ हम आपको बताएंगे, एकदम साधारण है दोस्तों। बस एक बार अगर आप समझ गए ना, तो उसके बाद कोई भी सीआरटी टीवी में इस मॉड्यूल को आप लगा लीजिएगा, आराम से लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये मॉड्यूल आपको दो तरह के आते हैं, एक आते हैं तीन तार वाला और एक आते हैं पाँच तार वाला। ठीक है दोस्तों, तो ये तीन तार वाला है, इसका मॉडल नंबर है 29-3। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 29-3 है। आइए हम बस ये दोनों को कनेक्ट करेंगे इसमें, और आपको हम दिखाते हैं किस प्रकार से करना है। तो बस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पहले जैसे लगा था वैसा ही हम लगा देंगे, और इस वायर को आप अंदर कर लें। ठीक है ना, इस वायर को अंदर कर ले, जहाँ पे आपको हॉल से दिखे उसके द्वारा आपको अंदर कर लेना है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने कर दिए हैं। आइए हम इसको हॉल्स में लगा देते हैं कि उस पर हमारा ये वायर कनेक्शन चला जाए।
कि कनेक्शन करने में आपको आसानी हो। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पे दोनों को कर दिए उस पार, और उस पार करने के बाद हम इसको सोल्डरिंग कर देंगे, जाम कर देंगे दोस्तों, कि ये जो हीट सिंक लगा हुआ है वो बाहर ना आए। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, आइए हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से करना है। जो आपका ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है दोस्तों, ये फिल्ट्रेशन के लिए कैपेसिटर लगा हुआ है, तो ये वाला आपका माइनस है। ठीक है, और माइनस को कैसे पता करना है, आपके कैपेसिटर में भी दिया हुआ रहता है, उसका सिंबल दिया रहता है माइनस की तरह, लंबा पट्टी दिया रहता है दोस्तों, तो आपका माइनस होता है, और जिस तरफ में आपका पूरा ब्लैंक होता है, कुछ नहीं दिया होता, वो आपका प्लस होता है दोस्तों। ठीक है, और इसको अगर आप बिन कैपेसिटर देखे हुए फाइन करना है कि कौन सा माइनस है कौन प्लस है, तो उसको ट्रेक करना है। ठीक है ना, आप इसको ट्रेक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे ये प्लस है और ये प्लस आपको इस तरफ में आ रहा है। ठीक है ना, माइनस वाला इस तरफ में जा रहा है, प्लस वाला जो होगा दोस्तों वो आपका ट्रांसफार्मर पर आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्लस वाला हो गया, प्लस वाला में आपको कनेक्ट नहीं करना है, ये माइनस वाला है दोस्तों, इसमें कनेक्ट करना है। तो इसका कनेक्शन हम देखेंगे, इसका रास्ता देखेंगे, ट्रैक देखेंगे कि कहाँ तक गया हुआ है दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आया है, ठीक है, इस वाले पे, और यहाँ पे आने के बाद दरअसल क्या हुआ है कि थोड़ा बोर्ड क्रैक हो गया है, तो हमने यहाँ पर जम्पर कर दिए, और जम्पर करके यहाँ पर हमने भी सप्लाई दे दिए हैं माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या कर ले, जो हीट सिंक लगा हुआ है उसको आप जाम कर ले, जाम कर ले कि वो नीचे ना जाए, नीचे ना दबे, गिरे ना। तो आइए हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से करना है। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से इसको हम कर देंगे, हमने कर दिया दोस्तों, जाम कर दिए यहाँ पे। अब ये जो कनेक्शन लग गया है दोस्तों, ये रेड वाला, तो आपको ये फाइंड करना है जो एसटीआर लगे होंगे ना उससे कनेक्ट होगा ये वाला। ठीक है, जो ट्रांसफार्मर में आता है जो ड्रेन का होता है ना दोस्तों, उसको आप यहाँ पर कनेक्ट कर दें। एसटीआर से जो ट्रांसफार्मर में आया हुआ रहता है ना दोस्तों, उसमें आप कनेक्ट कर देंगे तो वो आपका ये चलने लगेगा, फाइन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमने कर दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और देख लेना है कोई शॉर्टिंग वोटिंग न लगे दोस्तों। और ये आपका माइनस हो गया ग्राउंड वाला, ये जो ब्लैक कलर है दोस्तों, इस ब्लैक कलर को आप इस निगेटिव पर कनेक्ट कर दें। अब देख पा रहे होंगे दोस्तों, हमारा काम फाइनल हो गया है। ठीक है, अब देख पा रहे होंगे इस प्रकार से यहाँ पे लगा देना है, और जो ग्रीन कलर वाला होता है दोस्तों, वो आपको ऑटो कपलर पे लगता है। ठीक है, तो इस टीवी में आपका ऑटो कपलर नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, आइए अब हम दिखा देते हैं आपको, ये सारा चीज़ यहाँ पे हमारा हो गया है। और दोस्तों ये भी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस टीवी में जब आप पावर देंगे, ये मॉड्यूल लगाने के बाद जब आप पावर देंगे ना, तो क्या करना है, जो ये मॉड्यूल लगा हुआ है दोस्तों, उस मॉड्यूल का जो वेरिएबल दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर दिया हुआ है, उसको आपको कम कर देना है। ठीक है ना, अगर मान लीजिए आप कम नहीं करते तो हो सकता है आपका ओवर वोल्टेज हो जाएगा, और ओवर वोल्टेज होने की वजह से इस टीवी में और भी प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप क्या करें, कम कर दें। ठीक है, इसको आप कम कर दें, और कम करने के बाद आप इसको पावर दें।
ठीक है दोस्तों, कम करने के बाद जब आप इसको पावर देंगे ना तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है, मगर ज़्यादा होने पर इसमें प्रॉब्लम आ जाएगा दोस्तों। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। तो आप क्या करें, यहाँ पर मल्टीमीटर लगाएं, इसमें आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से, ये हमारा हो गया मल्टीमीटर, और इसको हम 1000 DC में सेट कर लेंगे। इस मल्टीमीटर को हमने ऑन कर लिए, ठीक है दोस्तों, और ऑन करने के साथ साथ में क्या करना है, जो ग्राउंड ये है प्रॉप है दोस्तों, उसको क्या करना है, टीवी के जो स्क्रीन पर ग्राउंड रहता है दोस्तों, वहाँ पे कनेक्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर जो स्प्रिंग लगा हुआ रहता है दोस्तों ग्राउंड का, उस पर आप लगा देंगे, ठीक है, और उसके बाद इस टीवी में आप पावर देंगे, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे हम यहाँ पे पावर देंगे, और हमने पावर दे दिए हैं दोस्तों, सीरीज कनेक्शन में दिए हैं कि हमारा अगर कोई प्रॉब्लम भी हो तो हमें पता चल जाए, कोई ज़्यादा नुकसान न हो, ठीक है दोस्तों। तो आप इस मल्टीमीटर पर फोकस करेंगे, और यहाँ पे लगा हुआ है ST का, जो ST का पावर जाता है दोस्तों 110-115 वोल्ट जाता है, ठीक है ना। तो इसका कनेक्शन दिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इंडिकेटर लाइट भी जल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम आपको नज़दीक से लाइट कर दिखाते हैं। यहाँ पे जो आपका ST के लिए वोल्ट बनता है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एक डाइबोर्ड लगा हुआ है, उस डाइबोर्ड पे आप रखें। यहाँ पे रखने के बाद आप देख पा रहे होंगे मल्टीमीटर में 75 वोल्ट बन रहा है दोस्तों, ठीक है ना, यहाँ पर बस 75 वोल्ट ही बन रहा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जो यहाँ पर हमने मॉड्यूल लगाए हैं, क्या लगाए हैं, मॉड्यूल लगाए हैं, उस मॉड्यूल को आप पेचकस से या किसी भी चीज़ से, ठीक है ना, उसको घुमाना है दोस्तों। जब आप इसको घुमाएंगे ना, तो घुमाने के साथ में क्या होगा कि आपका यहाँ पे वोल्टेज बढ़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो आप इस पे मीटर पर फोकस करेंगे, हम यहाँ पे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों ये बढ़ रहा है। ये ओनिडा का TV है दोस्तों, तो हम 110 से ऊपर रखेंगे इसका वोल्ट, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों 114-115 होने लगा है। देख पा रहे होंगे दोस्तों हमने एक से 17-18 पे 20 पे कर दिए दोस्तों, क्योंकि ये 10 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ओरिजिनल किट होता है दोस्तों, ये चाइना किट नहीं है, ये क्या बोलते हैं, ओनिडा का ओरिजिनल किट है, ठीक है ना, इसलिए इसमें आपको थोड़ा वोल्टेज एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। चाइना वाला किट में तो आपको 110 वोल्ट ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों यहाँ पर आपका 20-21 बन रहा है, तो हमारा बिल्कुल ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम इसको सीरीज कनेक्शन से बाहर निकालकर डायरेक्ट लगाते हैं, और लगाने के बाद यहाँ पर आप वोल्टेज चेक कर ले दोस्तों कि कितना बन रहा है। सो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों TV ऑन होने पर 107-108 वोल्ट दिखा रहा है, 4-5 वोल्ट भी दिखा रहा है दोस्तों। एक से 112 वोल्ट हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो बस हम यहीं पे छोड़ देंगे दोस्तों, और आप देख पा रहे होंगे हमारा TV बिल्कुल फाइन हो गया है, फिट हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें दोस्तों, इस काम को सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। आइए दोस्तों हम दिखाते हैं आपको आगे की तरफ, स्क्रीन को दिखाते हैं हमारा TV का कंडीशन। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों ये TV बिल्कुल ऑन हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। पर स्क्रीन पे आपको कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, और ये जो प्रॉब्लम है इसको हम
पैटेज प्रॉब्लम बोलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। ये कलर प्रॉब्लम है, पैटेज प्रॉब्लम नहीं है, कलर प्रॉब्लम है दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे ये मैग्नेट के कारण से हुआ है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को हम अगले वीडियो में दिखाएंगे कि किस प्रकार से इसको सही करना है, सो ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। इस काम को सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।